भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हाँ ये तो सी इमरजेंसी है। एग्जाम में मेरा सिविल कटा दिया था। मार्टी की रिपोर्टिंग है, 10 मिनट बच रहे हैं। सो तो छोड़ दे गाइस, कितना पागल हो रहा है, बाहर जाने की पागल हो रहा है, बाहर जाने की कितना परेशान हो रहा है। अभी निकलने वाले हम लोग जिम में भी, और निकलते हैं। बहुत ठंड भी लग रही है तो जैकेट वैकेट डालते हैं थोड़ा, और निकलते हैं गाइस यहाँ से जिम, और दिखाते हैं आप लोग को जिम का आज पूरा ब्लॉग रहेगा। तो चलते हैं गाइस, फ्रेश होते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस इतना ठंड लग रहा है ना, इधर बहुत ठंड है यार। इधर पूरा हजारीबाग नाम है ना, तो पूरा पेड़ पौधा सा और ठंडा लगता है इधर। तो अभी निकल लिए हैं जिम के लिए, अभी दो जैकेट डाल लिए हैं ऊपर से, थोड़ा बहुत ठंडा कम लग रहा है। पैर में बहुत ज़्यादा ठंड आ रहा था, फिर ट्राउज़र में है तो और ठंडा आ रहा है इधर ट्राउज़र के अंदर। ऐसे लगभग मेरा जिम भी 5 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। तो गाइस हम लोग सोच रहे हैं अभी कि रांची जाने के लिए, रांची में कुछ ब्लॉग वगैरह शूट होगा। हम और फैजल जाएंगे घूमने के लिए, घूम भी लिया जाएगा और ब्लॉग भी शूट कर लेंगे। और जो 360 है मेरा जो ख़राब हो गया है उसे भी बनवा लूँगा मैं। बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड इधर। यार बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है यार इधर तो, ऊपर हाथ कप कप आ रहा है ग्लव्स के पहनने के बावजूद भी। तो इतना सुबह सुबह जिम भी जाना बहुत बड़ा चैलेंज है गाइस। सुबह सुबह जिम जाओ मतलब क्या ही बोले, मजा तो आता ही है। जिम जाने के बाद तो ठंड कम हो जाता है, और वर्कआउट में तो कम ही हो जाता है, पूरा ठंड उतना लगता नहीं है क्योंकि पूरा गंजी वगैरह सब खोल देते हैं वर्कआउट के बाद, पूरा जैकेट वगैरह सब खत्म, मतलब कि सिर्फ वेस्ट पहने हुए रहते हैं तो ठंड कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा कॉलेज है अपना हजारीबाग का, सेंट कोलंबस कॉलेज। तो अच्छा ही कॉलेज, क्या हुआ भाई, अरे भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हाँ कहाँ भैया, हम तो जा रहे हैं कहीं और भैया। तो इमरजेंसी है, एग्जाम मेरा सिविल कटा दिया था। मार्टी की रिपोर्टिंग है, 10 मिनट बच रहा है। ऑटो तो मिल जाएगा फिर, कहाँ किधर है, लगभग कितना दूर है? बस 10 मिनट का रास्ता है। किधर? इधर ही, इधर हमको इधर जाना, राइट साइड जाना है। सिविल कोर्ट इधर लेफ्ट साइड आगे थोड़ा सा, बहुत करियर का सवाल है भैया। आइए फिर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। अरे भाई क्या हुआ, लगता है कि इनको इंटरव्यू है शायद इनका। चलिए कोई नहीं, छोड़ देते हैं अपना जिम भी, तो भाई थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उतना आइडिया नहीं है कहाँ पे है जिम, कहाँ पे लगभग किधर किस साइड जाना भैया, मतलब मैप खोलिए ना, उतना आइडिया नहीं है मुझे। अरे यार मेरा इस साइड जिम है, मेरा मैं बगल में ही जिम था, तो थोड़ा सा आगे जाके जिम था। कितना दूर है देखिए यहाँ से, फिर मुझे लेट हो जाएगा ना। अरे यार बहुत लेट हो जाएगा लगता है, बहुत दूर पड़ जाएगा मेरा ये सिविल कोर्ट इनका तो। और मेरा जिम उधर ही पास में ही था, इधर से हम पहुंच जाते हैं। प्रभात भैया भी इंतजार कर रहे होंगे वहां पे। चलो ऐसे ही मदद करनी चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह जरिए, सुबह सुबह इनको टोटो वगैरह भी कहाँ मिलेगा इनको। और इधर थोड़ा लगता है कि पैर से भी थोड़ा सही थे, चल नहीं पा रहे थे ऐसा से। इनका बोल रहे हैं कि इनका गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू है। क्या हुआ भैया, नेट स्लो है? आ गया अच्छा, इधर सीधा 900 मीटर। अरे 1 किलोमीटर लगभग, और यहाँ से और 1 किलोमीटर फिर हमको घर दुकान
जिम के लिए लेट हो जाएगा। अच्छा जिम के लिए निकले थे सीधा इस साइड। अच्छा इस साइड तो जल्दी यार, मेरे जिम से लगभग 3 से 4 किलोमीटर में दूर जाना पड़ रहा है मुझे, और जिम जाना थोड़ा लेट हो जाएगा यार आज। पर कोई नहीं, अब किधर, लेफ्ट साइड। नहीं 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 नहीं, शायद यही वाला था जो लोग वहां खड़े हैं ना, वही है शायद। के घुमा देते कि शायद पैर से चल नहीं पाते गाइस, इनका पैर थोड़ा सा ये है। एग्जाम सेंटर तो यही लग रहा है। आगे नहीं लगा रहे, ठीक है कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक जाइए। लगता है पैर भी थोड़ा सा खराब है बेचारे का, मदद तो करनी चाहिए। चलते गाइस यहाँ से हम घर, मतलब सॉरी जिम, और वहीं मिलते हैं गाइस। चलते हैं जल्दी जिम, और लेट हो गया है मुझे, 8 बजने चला, इनका 8 बजे रिपोर्टिंग था यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, मदद तो करना ही चाहिए ऐसे भी। ओ जल्दी जल्दी जल्दी, अरे बाबू, अरे भाई आराम से। अब यहाँ जल्दी जिम चलते हैं गाइस, प्रभात भी बहुत वेट कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी चलो, हम फर्स्ट हम फर्स्ट। थोड़ा सा लगभग पहुँचने में टाइम तो लगेगा यहाँ से, थोड़ा दूर आ गए हैं जिम से, बहुत दूर आ गए हैं। सोचे थे जिम का ब्लॉक ला लेंगे पर क्या हो गया, अरे यार जहाँ तहाँ रुक जाता है इन लोग बस वाला। जस्ट यहीं पे आए थे लेने के लिए गाइस उनको, अब मेरा जिम इस साइड में है, वहाँ पर रुके हुए थे हम लोग। अभी तक प्रभात भी नहीं आए, हेलो लेट किधर कर रहे हैं, मारेंगे एक झापड़। बाथरूम में थे उस टाइम, कहाँ है जिम में देख रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग जिम में आए हैं, लौट के बहुत लेट कर दिया, हमको लगा कि पहले आएंगे, यही लेट कर लेट यही कर दिए, हम फोन नहीं किए थे आपको सॉरी देख रहे हैं इसको पहले से आती है, हमेशा आ जाती है ये, पहले आती है हमने से पहले आती है, तो यही रहती है। अभी चल रहे हैं पुशअप्स करने, पुशअप्स करते हैं, दिखाते हैं कितना कर पाते हैं आपको। 100, 200, 300, 400, 500 हो गया।
सपोर्ट दे, आइए आइए जल्दी जाइए, आइए। अरे गाड़ी फट के लेकर कोई नहीं, हम लोग साथ में हैं आपका। हम तो बिना सपोर्ट के मारे हैं, सोचो छोड़ दे, इतना छाती मौत हो जाएगा इनका तो। सो गाइस अभी हम लोग का जिम छुट्टी हो गया, कंप्लीट हो गया सारा वर्कआउट, अच्छे से दे लिए हम लोग, हम निकलते हैं यहाँ से घर। फिर पहले तो पीनट बटर खरीदेंगे यहाँ से, पहले तो मिल जाए तो इस टाइम। अरे यार टच हो गया क्या? चलिए कुछ नहीं हुआ, फिर वापस चलते हैं यहाँ से घर। अब ये रहा हमारा जिम, थोड़ा लेट हो गया हम लोग का, और ऐसे हम लोग जल्दी ही आ जाते हैं पर थोड़ा सा लेट हो गया एक भाई के कारण, जो लिफ्ट देना पड़ा उस टाइम सुबह सुबह। और निकलते हैं यहाँ से पहले घर, केला वगैरह ले लेते हैं, कि हमारा अभी जस्ट हमारा अभी केला ख़त्म हो गया है घर में बनाना, मतलब जो भी है और लेना पड़ेगा अभी जाके। सुबह सुबह केला खाना बहुत ज़रूरी है वर्कआउट के बाद, इतना दूर आना पड़ता है हमको जिम के लिए सुबह सुबह, रोज आते हैं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं, मतलब कि हफ्ता में 6 दिन मेरा डन है कि जिम आना जरूरी है। इधर पीनट बटर बस मिल जाए मुझे, उसके बाद लेते हैं, उसके बाद घर जाते हैं गाइस। और यहाँ पर भी अपना ब्लॉग एंड कर देते हैं कि बहुत लंबा ब्लॉग ना हो जाए। फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तो ऐसे ही बने रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो ओके बाय गाइस, यहाँ से लेते हैं पीनट बटर।